नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आचार जागेंद्र मिश्रा चैनल पर दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मोर पंख को इस जगह रखने से लोग बन रहे हैं करोड़पति धन को आकर्षित करता है दोस्तों क्या आपने जानी है मोर पंख की ये बीस खूबियाँ जानोगे तो घर लाए बिना नहीं रह पाओगे दोस्तों पौराणिक कथाओं में मोर पंख का विशेष महत्व है मोरपंख को भगवान कृष्ण के मुकुट पर स्थान मिला है वहीं इंद्रदेव भी मोरपंख के सिंहासन पर ही बैठते थे उस समय में महर्षियों के द्वारा लिखने के लिए भी मोर पंख का ही इस्तेमाल किया जाता था और इसी के कारण समस्त शास्त्रों ग्रंथों वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख को अहम स्थान दिया गया है तो चलिए दोस्तों आज हम आपको इसके 20 अद्भुत चमत्कारिक लाभ बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता हो लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दिया दीजिएगा दोस्तों नंबर वन जो व्यक्ति अपने घर में दो मोर पंख रखता है उस व्यक्ति के घर में कभी कोई अलग नहीं होता घर में खुशहाली होती है और मोर पंख रखने से घर परिवार एकत्र रहता है और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है नंबर दो जो व्यक्ति हमेशा अपने पास मोर पंख रखता है उस व्यक्ति पर कभी कोई अमंगल नहीं मडराता वह सदैव किसी बड़ी दुर्घटना से बचा ही रहता है नंबर तीन मोर पंख को अपने घर में हमेशा रखने से नकारात्मक ऊर्जा से आप बचे रहते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का बास होता है नंबर चार अगर आपका बच्चा ठीक से ना पढ़ रहा हो पढ़ाई पे कमजोर हो मन नहीं लगता हो तो आप उसके स्कूल वाले बैग में एक मोर पंख रख दें आपका बच्चा बुद्धिमान हो जाएगा और पढ़ाई में सबसे तेज हो जाएगा नंबर पाँच अपनी जेब या फिर डायरी में मोर पंख रखने पर राहु दोष भी प्रभावित नहीं करता नंबर छह मोर का पंख सबसे प्रिय यानी कि मोर का जो सबसे प्रिय आहार होता है वो होता है सांप इसलिए सांप मोर से भय रखता है और ऐसी जगह नहीं जाते जहां पर मोर पंख होता है इसलिए अगर आपको सांप से भय लगता है तो आपको मोर पंख जरूर अपने पास रखना चाहिए या फिर मुख्य दरवाजे पर भी आप टांग सकते हैं अगर आपको सांपों से डर लगता है भय लगता है तो आप ये उपाय जरूर करें या तो अपने पास रखें या तो फिर अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर लगा के रखें नंबर सात कभी कभी मोर पंख को सिर पर धारण करने से विद्या लाभ होता है नौकरी जल्द मिलती है माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है घर यानी नंबर आठ घर का मुख्य द्वार यदि वास्तु के विरुद्ध है तो द्वार पर तीन मोर पंख स्थापित करें साथ ही भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र या फिर प, ए, चित्र ही स्थापित करें और उसके ऊपर मोर पंख लगा दें मोर पंख के नीचे भगवान वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा आप गणेश भगवान का भी चित्र लगा सकते हैं लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण का लगाए तो सोने पर सुहागा छोटी प्रतिमा ही सही लेकिन जरूर लगाए वास्तु दोष दूर होता है और खुशहाली आती है नंबर नौ यदि जीवन में अचानक दे ढेर सारे कष्ट या फिर विपत्तियां आ जाए तो घर या फिर बेडरूम में अग्निकोड़ में मोर पंख लगाना चाहिए यानी कि रखना चाहिए सब कुछ ठीक हो जाएगा नंबर दस पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं विवाद होते हैं या फिर दूरिया बनी रहती है तो अगर ऐसा होता है तो अपने घर पे आप मोर पंख जरूर लाएं अब इन्हें अपने शादी वाले एल्बम में छुपा कर रख दें अगर आपकी शादी वाली एल्बम नहीं है तो तकिए के नीचे रख दें लड़ाई झगड़े होना तो बंद हो जाएगा साथ ही पत पत्नी में प्रेम भी बढ़ेगा नंबर ग्यारह मोर पंख को रात के वक्त बाहर आंगन में रख दें ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का बास होता है भूत प्रेत की बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है नंबर बारह मोर पंख को हमेशा अपने पास रखने से वो व्यक्ति कभी अमंगल उसके साथ हो ही नहीं सकता और सफलता हमेशा पाता है और बुलंदी और सफलता की बुलंदियों को छूता ही चला जाता है नंबर तेरह मोर पंख को सिरहाने में रखकर सोने से कभी डरावने सपने नहीं आते भूत प्रेत का बाधा नहीं होता और सुबह भी अच्छी जाती है नंबर चौदह मोर पंख को कभी नीचे नहीं फेंकना चाहिए आपकी घर की तरक्की रुक जाती है भगवान श्री कृष्ण नाराज हो जाते हैं मोर पंख को नीचे फेंकने का मतलब भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने के बराबर होता है नंबर पंद्रह कोई आपको अगर अनजाने में एक मोर पंख देता है तो आपको अपने जीवन में सारी सफलताएं, सारे रास्ते सफलताओं के खुल जाते हैं और खुशी खुशी आपको ले भी लेना चाहिए नंबर सोलह मोर पंख तोड़ने के बाद भी जीवित रहता है यह हम नहीं कहते बल्कि पुरानी मान्यताओं का कहना है तभी तो इसका असर दिखता है नंबर सत्रह मोर पंख को आप किसी शुभ मुहूर्त पर ही खरीदे ऐसा करने से आप अपने जीवन में अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे खासकर अभिजीत मुहूर्त में खरीदें जी हां दोस्तों नंबर अठारह घर के दक्षिण पूर्वी कोने में मोर पंख लगाने से धरती लगाने से घर में ढेर सारे बरकत रहती है धन की कमी बिल्कुल भी नहीं महसूस होती नंबर उन्नीस मोर पंख को खरीदते वक्त ये ध्यान रखें बिल्कुल रखें कि मोर पंख किसी भी तरह का टूटा फूटा ना हो कटा फिटा ना हो ऐसा खरीदना बिल्कुल अशुभ माना जाता है मोर पंख सही खरीदें ना कि गलत नंबर बीस मोर पंख को घर में लाते वक्त एक बार भगवान श्री कृष्ण का नाम जरूर लें ऐसा करने से कार्य में सफलता मिलती है धन आकर्षित होता है और दोस्तों सभी काम भी समय पर पूरे हो जाते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए एक शेयर जरूर करिए सभी दोस्तों को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो के लाइक के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस करिए जय महालक्ष्मी